गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवारों कहना सिर्फ मेरी मानो तुम सबों में वो आग है अपने अंदर की तपिश को पहचानो। लिविंग वर्ल्ड में हम आगे बढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बायोलॉजी से बना है ये बायोलॉजी। बायोलॉजी मीन्स क्या? लाइफ। किसकी लाइफ? तो हमारी लाइफ। किसकी लाइफ? प्लांट की लाइफ। किसकी लाइफ? मतलब कि इसी इकोसिस्टम में जितने भी चीज हैं, चाहे वो प्लांट्स में हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो हायर एनिमल्स हो, चाहे वो लोअर एनिमल्स हो, सारी चीज़ों की जो लाइफ के बारे में पढ़ाई होगी वो बायोलॉजी में होगी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अ क्लासिफिकेशन मीन्स उनका क्लास क्या होगा। फॉर एग्जांपल, ज़्यादातर ये चीज़ें जो झेलना पड़ता है वो मर्द को भी झेलना पड़ता है, लड़कों को झेलना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक शादी हो गई किसी लड़के की, अब अगर माँ के कहने में है तो कहा जाता है कि ये तो माँ वाला का पल्लू पकड़े हुआ है, ये तो माँ वाला माँ का बेटा है, ये तो माँ का मॉम्स सन है। अगर बीवी के बात में आ गया तो कहा जाएगा कि अरे ये तो जोरू का ससुरा गुलाम है, एकदम बीवी के पल्लू का हवा इसको लग गया। मतलब दोनों केस में क्लासिफाई कर देते हैं लोग, अगर माँ का फेवर कर दिया तो ये हो गया माँ का बेटा, है ना, माँ का पल्लू पकड़े हुआ, अगर बीवी का फेवर कर दिया तो जोरू का गुलाम है, हवा लग चुका है। मतलब कि इंसान इसको क्लासिफाई कर देता है उसके नेचर के वजह कर, इंसान किसी चीज़ को क्लासिफाई कर देता है उसके बिहेवियर के वजह कर, इंसान किसी चीज़ को क्लासिफाई कर देता है उसके रहन सहन के बेसिस पे, इंसान किसी चीज़ को क्लासिफाई कर देता है उसके लिविंग कैरेक्टर के वजह कर। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि बेसिस क्या है क्लासिफाई करने का, बेसिस क्या है, चाहे वो उसका बेसिस हैबिटेट हो सकता है, बेसिस उसका फूड हो सकता है, बेसिस उसका स्टिमुलस हो सकता है, बेसिस उसका क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो हमने देखा कि बायोलॉजी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को बांटा गया प्लांट में एंड एनिमल में, पूरे इकोसिस्टम को बांट दिया गया दो सेक्शन में, प्लांट में एनिमल में। जो प्लांट से रिलेटेड आए उनको कहा प्लांटी, जो एनिमल से रिलेटेड आए उनको कहा गया एनिमेलिया। अब सवाल ये उठता है कि किसने दिया? मैंने तो नहीं दिया, मैं तो एक टीचर हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, जो पढ़ा है वही पढ़ा रहा हूं, आगे दे रहा हूं, जो आप पढ़ेंगे वो भी आगे देंगे। तो ये इसको सबसे पहले अरिस्टोटल के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी है, हम लोग जानते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल साहब ने कहा कि पूरे इकोसिस्टम में दो क्लास है, दो किंगडम है, एक प्लांट है एक एनिमल है। एक प्लांट है एक एनिमल, ससुरा घर में भी देखते हैं ना हम लोग, दो दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक पापा की तरफ एक मदर की तरफ, एक फादर की तरफ एक मदर की तरफ। बेटा है मदर का सपोर्ट कर लेता है, बेटी फादर का सपोर्ट कर लेती है, घर में दो किंगडम हो जाता है भैया, कि वो उनसे नहीं उलझेगा, वो उनसे नहीं उलझेगा, वो अलग रहे, एंड ऑफ द डे झुकना पड़ता है भैया माँ की तरफ बेटी की तरफ। क्यों? क्योंकि गृह मंत्री है भैया, भूख हड़ताल हो जाएगा अगर ज्यादा लड़के रहेंगे, इसलिए झुक के रहना पड़ता है, सुन के रहना पड़ता है। खैर उधर छोड़ो, प्लांटी और एनिमलिया अरिस्टोटल साहब ने दिया। अरिस्टोटल साहब ने बोला कि सारे प्लांट से रिलेटेड जो हैं वो किंगडम प्लांटी में आएंगे, एनिमल से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो एनिमल में आएंगे। प्लांट में अरिस्टोटल साहब ने ये दिया, इसको हम कह सकते हैं बेसिक जो पहला फंडामेंटल जो किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ वो अरिस्टोटल साहब ने दिया पहला। इन्होंने कहा कि हर्ब्स शर्ब्स एंड ट्रीज ये सारे प्लांट में आ जाएंगे, एंड एनिमेलिया में इनिमा और अनेमा, बड़ा सुंदर नाम है इनिमा और अनेमा। इनिमा मतलब वैसे एनिमल जिसमें रेड ब्लड प्रेजेंट है, अनेमा जहां ब्लड प्रेजेंट रेड ब्लड प्रेजेंट नहीं है, मतलब एब्सेंट है। याद रहेगा, इनिमा जहां रेड ब्लड प्रेजेंट है, अनेमा जहां पे रेड ब्लड प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्लासिफिकेशन किसने दिया? अरिस्टोटल साहब ने। सारा प्लांट जो है वो प्लांटी में आएगा, सारा एनिमल वो एनिमल में आएगा। प्लांट में सेक्शन उन्होंने दिया हर्ब्स शर्ब्स और ट्रीज, ये प्लांटी में आएगा। एनिमल में उन्होंने कहा ई फॉर इनिमा और ए फॉर अनिमा। ई फॉर इनिमा मीन जहाँ रेड ब्लड प्रेजेंट है जिस एनिमल है वो इनिमा हो गया, जहाँ नहीं है डैट इज एब्सेंट डैट इज अनिमा।
अब आगे हम लोग देखते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो मेन है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे पहले जो दिया उन्होंने दिया कैरोलस लीनियस ने दिया, कैरोलस लीनियस ने दिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम घर में बताए ना तो कुछ होता है तो भैया माताश्री और पिताश्री अलग अलग हो जाते हैं, जब वो दोनों में लड़ाई हुआ तो नीचे में भी एक तबका होता है जो बट जाता है, कुछ माँ को सपोर्ट कर देता है बेटा, अब बेटी जो है कि फादर को सपोर्ट करती है, दो किंगडम हो गया का देखा जाता है, नहीं दो राज हो गया भैया घर में, जो कि बड़ा दिक्कत देता है। और यहाँ पे देखो जो कि इकोसिस्टम में पूरे इकोसिस्टम को बांटा गया टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, उसने किसने बांटा, कैरोलस लीनियस ने, साइंटिस्ट का नाम है कैरोलस लीनियस। इन्होंने पहले प्लांटी दे दिया, प्लांट से रिलेटेड, दूसरा एनिमेलिया दे दिया एनिमल से रिलेटेड, एनिमल में इन्होंने डाला वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट एंड प्रोटोजोन्स। कैरोलस लिनियस में एनिमल किंगडम में डाल दिया आपको सारे वर्टिब्रेट एनिमल्स एनिमल किंगडम में आ गए, सारे इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स इन किंगडम में आ गए एनिमल किंगडम में, एंड प्रोटोजोअन्स को भी इन्होंने क्या रखा है एनिमल किंगडम में रखा, किसने, कैरोलस लीनियस ने। एंड जो रेस्ट बचा उन्होंने सारे को डाल दिया प्लांट किंगडम में, जिसको प्लांटी कहते हैं। इसमें सारे प्लांट्स चले गए, फंगस आ गए, एल्गी आ गए, बैक्टीरिया आ गया, ठीक है एक्सेट्रा कर दो, सारी चीजें इसमें आ गए। मतलब कि कैरोलस लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया जिसमें कहा कि प्लांट से रिलेटेड जो है डेट इज प्लांटी, एनिमल से रिलेटेड है जो डेट इज एनिमेलिया, एनिमल में इन्होंने वर्टिब्रेट वाले सारे को रखा, इनवर्टिब्रेट वाले सारे को रखा, प्रोटोजोअन्स को रखा, इन तीन चीज़ों को इन्होंने एनिमल किंगडम में रखा। रेस्ट जो बच गया बैक्टीरिया, रेस्ट जो बच गया फंगस, रेस्ट जो बच गया एल्गी, रेस्ट जो बच गया क्लाइमेडोमोनास, रेस्ट जो भी चीज़ बच गया उन्होंने प्लांटी में रख दिया इसको। फिर आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो उन्होंने लॉजिक कॉन्सेप्ट तो दिया था पर इसमें भी कुछ तफरका था, कुछ डाइवर्सन था, क्या कमी थी वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पर अभी हम लोगों ने मोटा मोटा ये समझा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को पहले स्टार्ट अरिस्टोटल साहब ने कर दिया था, अरिस्टोटल साहब ने प्लांट और एनिमल को अलग कर दिया था, प्लांट में हाउस सोशल ट्रीज रखा था, एनिमल में इनिमा और अनेमा सेक्शन में बांटा था, इनिमा मतलब रेड ब्लड एनिमल्स वाले को इनिमा में रखा था, अनेमा मतलब रेड ब्लड जहाँ एबसेंट हो वो अनेमा में रख दिया। फिर टू किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस ने दिया, इन्होंने कहा कि भैया इकोसिस्टम में दो ही किंगडम रहेगा, दो ही का राज चलेगा, एक प्लांट का राज चलेगा, एक एनिमल का राज चलेगा, एनिमल में इन्होंने रख दिया आपको सारे वर्टिब्रेट, एनिमल में इन्होंने रख दिया सारे इनवर्टिब्रेट, एनिमल में इन्होंने रख दिया सारे प्रोटोजोअन, प्लांट किंगडम में जिसको प्लांटी कहते हैं इसमें इन्होंने रख दिया बैक्टीरिया को, प्लांट किंगडम में इन्होंने रख दिया फंगस को, प्लांट किंगडम में इन्होंने रख दिया एल्गी को, प्लांट किंगडम में इन्होंने रख दिया सारे माइक्रो लोअर ऑर्गेनिज्म को, प्लांट किंगडम में सारे प्लांट्स को इन्होंने रख दिया। तो इन तीन चीज़ों को जो कि आपको एनिमल किंगडम में था छोड़कर सारे को प्लांट में रख दिया। तो ये और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इनका जो ये क्लासिफाई किया था तो ये क्लासिफाई मुकम्मल एकदम सही तरीके से नहीं था, इसमें क्या क्या गैप था वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। होप कि इतना समझ में आ गया होगा टू किंगडम क्लासिफिकेशन, समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।